तो कल पांडे आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी तो एक स्टैंड स्टिल चल रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि सर्दी भी काफी होगी वहां पे। तो आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि रशिया के कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्वियसली किसी ने हमारे साथ शेयर तो नहीं किए होंगे, कुछ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होंगे, यू नो यू कैन ऑलवेज गैस के क्या होंगे। और आपको क्या लगता है कि रशिया इस लड़ाई में अभी किस मुकाम पे है एज फार एज दोज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न। सो ओवर टू यू, स्वागत है आपका एक बार फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने मौका दिया इस समय बात करने का, और यूक्रेन मैं फॉलो कर रहा हूँ एज अ एक फौजी होने के नाते, प्रोफेशनल की क्या हो रहा है और दुनिया बदल रही है। हमारे देखते देखते दुनिया बदल रही है कि अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए, ऐसा आप और हम जानते हैं कि सर्विस में हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्स बहुत होते हैं, फॉर्मल जी सोर्स हैं, इनफॉर्मल सोर्स हैं, और उसके बाद अपने सर्वेलेंस की हैं, एनी रेंज ऑफ दैट। इस समय आप हम ये पक्की तरह कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, यूक्रेन जब हम की बात करते हैं तो यूक्रेन अकेला नहीं है, इसमें कंबाइंड वेस्ट, यूएस और ईयू की ताकत शामिल है, जी खासकर उनके लॉजिस्टिक्स, उनके वेपन सिस्टम्स, उनके एमिनिशन, और लिमिटेड तौर पे जो उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें उनकी मैन पावर भी है, मर्सेनरीज जिनको हम बोलते हैं, किसी कवर में उन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं मैं आगे बताऊंगा। जी रशिया की तरफ से जो है, रशिया की पूरी ताकत इसमें लगी हुई है, पूरी ताकत इन द सेंस कि उन्होंने पूरी आर्मी कमिट नहीं की है, लेकिन उन्होंने जितनी तैयारी की है वो अब समझ में आ रहा है कि वो कितनी तैयारी के साथ उन्होंने यूएस और ईयू को अपना दिसंबर 21 में डिमांड दिया था कि आप लोग यूक्रेन को इसमें मत शामिल कीजिए नेटो में। जी और मेरा मानना है कि उनकी तैयारी उस स्टेज पे पहुंचने से पहले शुरू हो गई थी, ओके जो यूएस और ईयू ने माना नहीं है, लेकिन जो इनकी तरफ से ताकत लग रही है उसके कुछ एक हिस्से एक है। नंबर एक कि अभी इनके हथियार और एम्युनिशन कम पड़ने शुरू हो गए। ओके अगर ईयू और इनके कंबाइंड वेस्ट के हथियार और एम्युनिशन कम पड़ रहा है तो आप जान सकते हैं कि, और रशिया की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया है ना उनकी तरफ से कोई लेटअप है। जब भी इन्होंने एक बार कोई स्टेटमेंट दिया है कि लगता है इनके हथियार खत्म हो रहे हैं या रशिया का ये खत्म हो रहा है, उसके बाद ही उन्होंने मिसाइल का ऐसा साल्वो फायर किया है कि वो पूरी मतलब वो सारे जो अनुभव हैं वो अलग ही तरह के हैं। ओके okay. अभी जो सितंबर के आखिर में ये एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका ने जो इनकी टोटल प रोडक्शन कैपेसिटी है 30,000 राउंड्स ऑफ 155 mm पर ईयर, ओके 30,000, क्योंकि दिस इज व्हाट, यही मात्रा है जो उनको साल भर के लिए ट्रेनिंग और उसके लिए चाहिए, या उनका जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको रोल करने के लिए। और ये दसियों साल से ऐसा चला रहा है क्योंकि 155 mm राउंड कहीं और फायर नहीं किए जाते, ओके केवल लड़ाई में ही लगते हैं या ट्रेनिंग में। अगर आपकी खपत ही 30,000 राउंड है तो इंडस्ट्री में इतना मौका नहीं है कि आप उसको लाखों में बदल सके। दूसरी तरफ जो रशियंस
फायर कर रहे हैं इस समय, उनके फायरिंग में कोई लेटअप नहीं आया है, बल्कि अब और ज्यादा हो गया है पिछले 10 दिनों में। एक चीज को और दूसरी कि एक जो एनालिसिस आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज की कि उनके हथियार इस तौर पे कम पड़े कि अमेरिका ने साउथ कोरिया पे 1 लाख राउंड का कॉन्ट्रैक्ट देने का वो प्रपोजल या आई बिलीव सो। बनाया हुआ है। हाँ ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उनके हथियार, उनके स्टॉक्स कम पड़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके सुपर पावर हैं, नेटो, और सुपर पावर के अगर स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं और रशियंस के स्टॉक की कोई हमें पता नहीं है, लेकिन उनके उनका जो रेट ऑफ फायर है वो नहीं हो रहा, वो ज्यादा ही हो रहा है। और जितना और सितंबर के आसपास जब इन्होंने अपना मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया था, मिड सितंबर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट इज 21 सितंबर को उन्होंने, रशिया ने मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया था 3 लाख ट्रूप्स। अभी 2 महीने पूरे, उनका 28 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया कि उनका मोबिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ओके। उसके बाद आप 6 हफ्ते और लगा लीजिए, मतलब दीज आर रफ कैलकुलेशन कि भाई जब ओके। मोबिलाइजेशन करके लोग आ गए हैं, अब उनको आप यूनिट में डालेंगे, यूनिट में कुछ दिन उनकी इंडिविजुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगी, ये सारे सोल्जर्स हैं, हाँ तो इनकी 3 हफ्ते की आप रिफ्रेशर ट्रेनिंग लगा लीजिए और उसके बाद 3 हफ्ते इनकी कंबाइंड आर्म्स ट्रेनिंग में लगा लीजिए। छह जी। हफ्ते में ये अब इफेक्टिव हैं, ओके। इस समय अभी है। कितना वो प्रेशर डालेंगे, कितना वो लाएंगे, हमारी तरफ से ये आशंका की जा सकती है कि जो अभी जितनी स्थिति जो सितंबर में थी उसकी दुगनी स्ट्रेंथ अब यूक्रेन बॉर्डर पे है रशिया की। वो क्या करेंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो एक ऑब्वियस टारगेट है कि वो जितना भी साउथ यूक्रेन है, जितने भी ट्रेडिशनल एथनिक रशियन प्रिडोमिनेंट एरियाज हैं अप टू पोर्ट ओडेसा, ये उनका इमीडिएट एम हो सकता है। जो उन्होंने बोला हुआ है, जो उनके स्टेटेड एम है, पहला डी मिलिटराइजेशन और डी नाजिफिकेशन। डी मिलिटराइजेशन उन्होंने यूक्रेन का ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, और केवल यूक्रेन का ही नहीं, डीमिलिटराइजेशन ऑफ नेटो कंट्रीज, क्योंकि इनके जितने भी सरप्लस स्टॉक थे वो खत्म हो चुके हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही आए कि जर्मनी ने खुद स्वीकारा है कि उनके पास केवल 2 दिन का वॉर स्टॉक्स बाकी है, 2 डेज। ओके। तो मतलब इस बीच में इनके सारे जो स्टॉक हथियार थे वो, ये एम्युनिशन था वो खत्म, WWR स्टॉक्स को खत्म हो चुके हैं। अब रशिया क्या करेगा, कैसे करेगा, इसकी हमें बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि वो इसको मिलिट्री ऑपरेशन तो बोले, ये वॉर तो बोल ही नहीं रहे, हाँ, वो शुरू शुरू में स्पेशल ये डी ऑपरेशन मिलिट बोल रहे हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और आज भी जब इनके इनके दो तीन इंसिडेंट हैं जिसके बाद इन्होंने इसको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बांट, लेकिन अब हम केवल ये कह सकते हैं कि इस समय इनिशिएटिव रशिया के हाथ पे है। इसमें मेरा जो मानना है कि इनिशिएटिव रशिया के हाथ में है, और इस समय वो प्रयास ये करेंगे कि एक बार और के लोग कोई बातचीत निगोशिएशन से कंडीशंस मान जाएं और यहां पे समाप्त हो, वरना ये जिस तरीके से चल रहा है, स्लो एंड स्टडी ये ऐसे ही चलाएंगे, और जितने दिन ये लंबा खींचता है रशिया के उतने ही फेवर में है। जो वेस्टर्न मीडिया है और जो सोशल मीडिया है उस पे एक साफ, स्पेशली खैरसोन वाला, जब जहां से रशियंस ने विड्रॉ किया उससे पहले खार्कीव पे विड्रॉ किया, और खार्कीव में तो फिर भी एक्चुअली यूक्रेन की कुछ कैजुअल्टीज हुई, बिकॉज उन्होंने शायद माइंस वगैरह लगाई हुई थी।
बट खैरासोन में तो वो बड़े केयरफुली आए, लेकिन रशिया ने चूंकि विड्रॉ किया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा माहौल बन गया कि रशिया अब डिफेंसिव पे आ गया, और निप्रो रिवर का जो ईस्टर्न साइड है, यू नो बेसिकली डोनबास रीजन, और नीचे की तरफ साउथ में आप जाएं तो क्रीमिया और वो वाला रीजन जहां पे आप कहते हैं कि रशियन पॉपुलेशन है, तो प्रॉब्ली उस एरिया को वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बट अभी जब से खैरासोन उनके हाथ से निकला, तो जो वो ओडेसा वाली बात आप जो कह रहे हैं ना, तो वो राइट नाउ उसके लिए रशियंस को एक दूसरा ही ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ेगा। बट यस, किसी टाइम पे ये जरूर लग रहा था कि वो यूक्रेन को जो पूरी कोस्ट लाइन है वो डिनाई कर देंगे। अभी राइट नाउ मिलिट्री पोजिशन ऐसी नहीं है, बट चलो वो तो एक बात होगी। और इसमें अभी जैसे मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ आज और कल में, जैसे आप बता रहे हो ना कि जैसे आरटी फायरिंग एंड ऑल दैट, जो सेल्स हैं, वेपन, जो यू नो आरटी बैराज जो चल रहे हैं, तो उसमें कोई लेटअप रशिया की तरफ से नहीं आ रहा है, ये फैक्ट है। और नाटो के पास वेपन्स की कितना वो देना चाहते हैं, कितना उनके पास है, वो एक दूसरा ही इशू है। अब मेरा जो आपका आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है, मैं आप आर्टिलरी के बारे में बात करूंगा, स्पेशली हाइमर्स के बारे में। और रशिया के पास उनकी जो आरटी है, दोनों का आपको जनरली आइडिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आरटी वारफेयर अभी चल रहा है, गन्स की बात करता हूं, हाइमर्स की और जो रशियन के पास जो भी वेपनरी है, जो आरटी गन्स है, दोनों के बीच में क्या कंपेरिजन आप देखते हैं? क्या ऐसा हुआ कि हाइमर्स ने आउटरेंज कर दिया रशियन आरटी को? देखिए, अभी तक जो पता है, हाइमर और रशिया के पास जो हाइमर इज बेसिकली मल्टीपल MLRS, आप क्या, मल्टी रशिया के पास इस समय कोई कमी नहीं है रॉकेट्स की, ओके, और उनके रॉकेट सिस्टम ग्रैड से लेके स्मर्च तक, क्या उससे भी ज्यादा उनके जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो जी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। जी एक और एडिशन हुआ है इसी पिछले 1 महीने के अंदर, वो है ड्रोन्स का। हाँ जो जो अमेरिकन्स बोल रहे हैं कि इन्होंने ईरान से खरीदा है, और रशियंस बोल रहे हैं कि ये इनका अपना प्रोडक्शन है, हो सकता है वो इरानियन डिजाइन हो। जी लेकिन अब इन्होंने ये ड्रोन इस्तेमाल करके यूक्रेन का एनर्जी स्ट्रक्चर जो है वो 40% कम कर दिया है, जी उनका कहना है बेसिकली ये। और अभी आप आर्टलरी के ऊपर आ रहे हैं, बेसिक आर्टलरी का क्या है कि आर्टलरी के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत तगड़ा चाहिए। जी यूक्रेन के स्टॉक्स एमिनिशन के खत्म हो चुके हैं, अभी लाखों की संख्या में जब राउंड्स आते हैं तो यूक्रेन में वो ऐसे नहीं एंटर कर सकते, कैसे भी एंटर करेंगे, चाहे ट्रेन से आए, चाहे ट्रक से लाए जाए, बेसिकली ये सारा मूवमेंट ट्रेन से होता है बल्क। जी तो वो ट्रेन मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जी और वो इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने निकाल दी है कि जो बेसिकली इन्होंने ट्रेन का मूवमेंट डिसरप्ट कर दिया है। ओ तो जो सप्लाई लाइन चल रही थी वो भी डिसरप्ट हो रही है जी यूक्रेन की। रशिया के पास ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, उनकी जो भी लॉजिस्टिक्स है पीछे से आगे आ रही है। ओके दूसरा, गन्स का जो है कि एम्युनिशन, ये रेंज, इसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके हाइमर्स के पास राउंड्स हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है अमेरिका ने कि इनको लॉन्ग रेंज रॉकेट हम नहीं देंगे, जो उनके 300 किलोमीटर तक जाते हैं, जी उनके बेसिक राउंड्स उनको दिया हुआ है, क्योंकि वो सीरियस एस्केलेशन हो जाएगा, और किधर जाएगा, एस्केलेशन के बाद क्या होता है वो हम नहीं बता सकते, जी क्योंकि अगर इनके इनके पास लॉन्ग रेंज एमिनेशन आ गया तो वो रशियन सिटीज को टारगेट करेंगे, और रशियन फिर वाइल्डली रिटेलिएट करेंगे, दे डोंट वॉन्ट दैट। और दूसरा, मतलब अभी यूक्रेनियंस की जब हम ये तो गन सिस्टम में आप देख लीजिए कि जो इनके पुराने यूक्रेनी नामी सोवियत इक्विपमेंट के ऊपर थी, जी 152 mm, 130 mm, ये सारे जो शुरू वाले थे ये तो डिस्ट्रॉय हो चुके। जो अब आ रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के, या तो पुराने वॉर्सो पैक्ट वाले हथियार और वो है एमुनिशन है,
या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने दिए हैं नए जनरेशन, जैसे जर्मनी के पैंजर्स आए हुए हैं जी। लेकिन जो नया वेपन सिस्टम आता है उसके साथ में उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। अगर उसमें छोटी सी भी फॉल्ट आती है तो जो क्रू जिन्होंने 2-3-4 हफ्ते की ट्रेनिंग की वो उसको संभाल नहीं सकते, उसके रिपेयर पार्ट नहीं अवेलेबल है। जो जर्मनी के जितने उसमें से 30% गन्स आर नॉट वर्किंग। ओके, लेकिन कल पांडे एक बार बताएं, लोग कहते हैं कि यू नो कि 2014 से, उसके बाद से यूक्रेन ने वेस्टर्न वेपन्स के ऊपर अपनी ट्रेनिंग शुरू की हुई है, एंड प्रॉब्ली दैट इज द रीजन के जब रशियन एडवांस हुआ था कीव की तरफ, दे वर आल्सो सरप्राइज्ड कि किस तरीके से यूक्रेन फोर्सेस ने परफॉर्म किया। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि उस तरह के हथियार होंगे, उस तरह की ट्रेनिंग होगी। उन्होंने तो सोचा था जैसे क्रीमिया में हमने इनको तो थप्पड़ लगाए थे और ये एक तरफ हो गए, अब लगभग ऐसा ही कुछ हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो लोग ये कह रहे हैं, स्पेशली जो एनालिस्ट हैं, कि 2014 से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वेस्टर्न वेपन्स की। हो सकता है सभी वेपन्स की ट्रेनिंग ना कर रहे हों, पर मैं एक पॉइंट आपसे और पूछता हूँ। ये जो प्रिसीजन गाइडेंस जिसको बोलते हैं कि हाइमर्स का तो बड़ा प्रिसीजन गाइडेंस वेपनरी यूज हो रही है, सर्विलियंस आई डोंट नो कितनी बेटर है, टारगेट एक्विजिशन, इसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं कि क्या हाइमर्स का या जो वेपन्स उनके पास आए हैं यूक्रेन के पास, इनका टारगेट एक्विजिशन या प्रिसीजन ऑफ स्ट्राइक वो रशियन वेपन से बेटर है क्या? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनसे बेटर है, लेकिन उनके बराबर जरूर है। ओके, प्रॉब्लम यूक्रेनियन की क्या है कि इनके पास वो मात्रा नहीं है। ओके, वो क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर ये कोई एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिटेलिएशन में इनके 10 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होते हैं। रिटेलिएशन रशियंस का अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। जब भी इन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की है या कोई प्रिसिशन टारगेट, अब जैसे क्रीमिया ब्रिज की जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से रशिया ने एक बराज फायर किया था, उनको काफी नुकसान सहना पड़ा था यूक्रेन को। उसके बाद इनका एक शिप भी हिट किया था उन्होंने, उसके बाद फिर ये जो यूएवीज इन्होंने इस्तेमाल की थी विद सुसाइडल ड्रोन्स, वो ड्रोन यूज किया इन्होंने। तो इस समय मतलब एज अ सोल्जर आई फाइंड कि यूक्रेन इज फाइटिंग विद हैंड वन हैंड टाइड बिहाइंड बैक। उनकी एयरफोर्स नहीं है जी, उनके जो इमीडिएट सर्वेलेंस सिस्टम वो नहीं है, वो कमर्शियल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर निर्भर हैं, स्टारलिंक जी। तो और उनके पास जो एमिनिशन बाहरी देशों से आ रहा है, जिस क्वांटिटी में आ रहा है, वो उससे काम चला रहे हैं जी। तो इसलिए उनको कैजुअलिटीज भी बहुत सहनी पड़ रही हैं, और जब भी वो कुछ एस्केलेट करते हैं उसका रिटेलिएशन बहुत बुरा हो रहा है। जितने भी इंसिडेंसेस आप देखिए जी, जब भी रशिया के अगेंस्ट में कुछ हुआ है, रशिया हैज रिटेलिएटेड वेरी स्ट्रॉन्गली। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं, वेस्टर्न एनालिस्ट के भी मैंने देखी है, लेकिन वो इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय रशिया हैज गॉट द अपर हैंड। अभी तक उनके जो 3 लाख मोबिलाइज्ड ट्रूप्स हैं अभी तक आए नहीं है फील्ड में, तो उनके पूरी उनके इंटेंशंस अभी जाहिर नहीं है। हाँ खैर, वो तो पुतिन की मास्टरी है अपने इंटेंशन को हाइड करने में, यू नो, वो तो दैट इज अ फैक्ट कि अभी तक इनको, अमेरिकन्स को या वेस्टर्न ब्लॉक को पता नहीं चल रहा कि आफ्टर ऑल वो चाहता क्या है, नो डाउट अबाउट दैट। अब मैं एक दूसरा पॉइंट आपसे क्लेरिफाई करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आर्मर्ड वॉरफेयर के बारे में आप एक कमेंट दें। यू नो, टैंक्स की कैजुअलिटीज रशियंस की हुई हैं, वो तो मेरे ख्याल से आप भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो एंटी टैंक वेपन्स हैं, जो जेवलिन मिसाइल्स हैं, और उसके अलावा और यू नो ड्रोन्स और बाकी मिसाइल्स अलग अलग कंट्रीज से आई हैं और यूक्रेन ने यूज़ की हैं, उनकी कैजुअलिटीज भी अच्छी खासी हुई हैं, नो डाउट अबाउट दैट। इंडिया के पास भी बेसिकली रशियन टैंक्स हैं, यू नो, T-90, T-72, हमारे पास हो सकता है जो साथ में एसेसरीज हैं बेटर हैं, हमने इम्प्रूव कर ली होंगी।
फेल्योर क्यों हुआ? टैक्टिकल लेवल पे हुआ कि अब टैंक का तो ये कहते हैं ना, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है और एक बिल्कुल ऐसा शॉक इफेक्ट डालता है, तो वो शॉक इफेक्ट क्यों नहीं हुआ जबकि रशिया के पास टैंक्स बहुत ज्यादा थे? और टेरेन तो आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में तो ओपन था, आर्मर्ड वारफेयर के लिए तो मेरे ख्याल से ठीक ही जगह थी वो, तो उस हालत में क्यों रशिया सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने टैंक्स को विक्ट्री के लिए यूज करने में? हम ये क्यों कह रहे हैं कि रशिया सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? बेसिकली आप ये कैजुअली देखिए कि रशिया इस समय, रशिया ने अपनी पूरी पावर कमिट नहीं की। उन्होंने केवल अपनी रेगुलर आर्मी का केवल 20% डिप्लॉय किया है। बाकी उन्होंने जो डोनेट्स और लुगांस के जो मिलिशिया थे उन्हीं को इस्तेमाल किया है, और उनके साथ में एडिशनल केवल अबाउट 15% उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी लगाई थी। ओके बाकी उन्होंने अभी भी रिटेन किया हुआ है कि अगर नेटो कुछ और करता है तो उनके पास रिटेलिएशन के लिए पूरा पूरी फौज है। रिटेलिएशन के लिए ओके आज की डेट में रशिया के पास यूक्रेन का इंग्लैंड के बराबर हिस्सा आ चुका है, हाँ आ चुका, नो डाउट। और वो मार्च से है। यहां पे पूरा ईयू, इनकी पूरी ताकत लगी हुई है, पूरी अमेरिका की ताकत लगी हुई है, लेकिन यूक्रेन उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी ये जो खेरसोन वाला इंसिडेंट हुआ है, ये रशियंस ने वेकेट किया हाँ, नो डाउट। है। रशियंस ने उसमें उनको निकाला नहीं है, उनको निकाला नहीं गया, रशियंस ने उसको वेकेट किया है। जो कुछ एक एनालिस्ट के जो वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये है कि जो सप्लाई खेरसोन को दूसरी तरफ हो रही थी रिवर के, जिस ब्रिज से वो जा रहे थे वही ब्रिज बार बार अटैक हो रहा था। जी यस, दैट इज अ फैक्ट। तो इंस्टेड ऑफ सफरिंग कैजुअलिटीज देयर, रशियंस हैव विड्रॉन। फिर उधर की पॉपुलेशन को उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया कि जो भी रशिया की तरफ आना चाहते हैं आ जाएं, क्योंकि हम ये एरिया वेकेट करने जा रहे हैं। और उन्होंने बड़े प्लान्ड वे में सेफ सिक्योर विड्रॉल किया है, खेरसोन को छोड़ा है। ये यूक्रेन की विक्ट्री नहीं है। लेकिन एक चीज है कि रेफरेंडम में खेरसोन रशियन फेडरेशन में शामिल हो चुका है, हाँ, बिल्कुल और शामिल। रशियन और अभी जो रशियंस का है कि अगर कोई निगोशिएशन शुरू होंगे तो इस शर्त पे शुरू होंगे कि इनके ऊपर, ये चार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। इसलिए तो निगोशिएशंस नहीं हो रहे। और तो ये, और अभी क्या करेंगे, तो बेसिकली जो ये दो डिस्ट्रिक्ट के एरिया बचे हुए हैं वो कैप्चर जरूर करेंगे रशियंस, और एस्केलेशन के लिए उनके पास इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है। कल पांडे, एक्चुअली जो लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे चेचनिया में रशिया ने किया था, देखो उन्होंने पूरी उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बैठा दिया। स्पेशली अगर आप उनकी कैपिटल सिटी को देखें ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, और उसके बाद जब लोग वहां से जाने लगे, वहां पे माइनफील्ड उन्होंने लगा दिए, यानी कि जो गए उनकी भी कैजुअल्टीज हुई, जो वहां पे हैं वो भी नहीं बच पाए। तो अभी तो जहां तक इनका एनर्जी ग्रिड है, कम्युनिकेशन टावर्स हैं, उन सब पे उनका फोकस है। बिकॉज व्हाट वेस्टर्न एनालिस्ट आर टॉकिंग, कि अब आप मिलिट्रीली तो जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल उनके खत्म कर दोगे, तो जो बात आपने कही कि इनका लॉजिस्टिक फेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेस जो है वो बंद हो जाएंगे। तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखो, मतलब एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्रीली तो रसिया अपर हैंड नहीं ले पा रहा, खाली उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करके और जीतना चाह रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? इनका अगर आपने पहले अमेरिकन की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, और जिस तरीके से इराक में गए हैं, जिस तरीके से लीबिया में गए हैं, उस समय इन्होंने भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का ही वो बेस लिया था, हाँ और बिल्कुल, ये इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। यूगोस्लाविया में भी ब्रिजेस, कम्युनिकेशन सेंटर्स, सब कुछ तबाह। रशिया ने वो नहीं किया था शुरू में, हाँ ये उन्होंने तब शुरू किया है जब इनकी नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर अटैक हुआ है, जो ब्लो अप की गई है नॉर्थ स्ट्रीम 2।
उसके बाद किया है जब इनका क्रीमिया ब्रिज को इन्होंने थ्रेटन किया है, फिर इन्होंने लॉन्च किया है, और अभी इनका इन्होंने एनर्जी ग्रिड, क्योंकि अभी नाउ द बैटल ऑफ लॉजिस्टिक्स हैज बिगन। ओके, अभी जो इनकी जितनी हथियार या लो जितने भी फॉर्मेशंस आनी थी वो आ चुकी है बैटल में यूक्रेन की। अब कितना इनके पास वॉर पोटेंशियल वॉर मटेरियल है जो वो पीछे से आगे आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है, ये उसकी लड़ाई है। तो उसको इन्होंने सीरियसली डिसरप्ट किया है। अभी अभी भी इन्होंने शहरों को अपना निशाना नहीं बनाया है। आपको कि इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज बहुत कम है। हाँ, नहीं मानता हूँ मैं आपकी ये बात कि सिविलियन कैजुअल्टीज कम है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया, मगर किया है। कीव में उन्होंने बेसिकली जो उनका पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर है उसको टेस्ट किया है, उन्होंने रेस्टोर भी किया है। मैं आपको मतलब ये भी जो मैंने पढ़ा है उन्होंने रेस्टोर भी किया है, रेस्टोरेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का यूक्रेन ने किया है। लेकिन मैं आपका एक सवाल मेरा आपसे रह गया पेंडिंग है, ये सवाल जब हमने आर्मर्ड की बात की थी तो कैजुअल्टीज देखो उनके टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं रशिया के, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो ठीक है मिलिट्रली वो सुपर पावर है, सब कुछ है, ज्यादा है उसके पास रिसोर्सेज, नो डाउट। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, वो मेरे का कॉन्टेक्स्ट मेरे को इंडिया का है कि कहीं टैक्टिस में या डिप्लॉयमेंट में कहीं पे कोई ऐसा फेल्योर हुआ उनकी तरफ से जो हमारे लिए लेसन बन सकता है, स्पेशली आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में। मैं फेलियर की बात नहीं करूंगा, मैं केवल इसकी बात करूंगा जब भी हम बैटल में जाएंगे कैजुअल्टीज होंगी दोनों तरफ से होंगी। ओके, जितनी कैजुअल्टीज यूक्रेन की हुई है उस हिसाब से रशिया की कैजुअल्टीज हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई है। ओके, ये आप भी मानेंगे। कुछ एक चीजें बिल्कुल नई हुई है, जैसे इस समय जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इन वेपन सिस्टम के ऊपर, जो फर्स्ट टाइम ये दोनों तरफ से तो नहीं, केवल रशिया की तरफ से कि इट इज कि एयर पावर इज आल्सो देयर, एयर सर्वेलेंस इज देयर, सैटेलाइट सर्वेलेंस इज देयर, मतलब इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम्स आर देयर इन द बैटलफील्ड। ओके, और उसमें दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टोटली नेटवर्क सेंट्रिक वॉर जी। और इसमें शुरू में यूक्रेन के पास भी, क्योंकि जो इनके सर्वेलेंस एसेट्स हैं वो पूरे नेटो के सर्वेलेंस एसेट हैं जो इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी, उस हिसाब से इनके हुए हैं। लेकिन बैटलफील्ड के ऊपर जी कैजुअल्टीज यूक्रेनियन की ज्यादा है। अभी जो नए वेपन सिस्टम्स आए हैं जैसे ये सुसाइडल ड्रोन्स, इनकी वजह से जो चेंजेस होने पड़ेंगे कि अभी आप जो टैंक हैं तो टैंक प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी ड्रोन मेजर माउंट करेंगे जी, ये होना और इसकी सर्वेलेंस इसकी टैक्टिक्स में कुछ एक फेरबदल जरूर किए जाएंगे। ओके, तो ये जो ड्रोन वारफेयर है इसमें इंडिया के लिए क्या लेसन होंगे? इमीडिएटली यही है कि अभी जो क्योंकि इनके पास जो कैपेबिलिटी है टैंक्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज राइट नाउ द कैपेबिलिटी इज टू डिटेक्ट इफ अ शेल इज कमिंग, और उसके लिए शेल के लिए उनको एक उनके पास ईआरपी लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं। आपने टैंक्स के ऊपर जो उनकी टरेट और उनके फ्रंटल आर्मर के ऊपर काफी सारे प्लेट्स माउंटेड होती हैं, तो जस्ट छोटे छोटे बॉक्सेस माउंट होते हैं, उसके अंदर एक्सप्लोजिव होता है। अच्छा, ओके। जैसे ही सेंसर्स ये बोलते हैं कि इधर टैंक के ऊपर एक मिसाइल आ रही है, टारगेट आ रहा है, तो वो एक्सप्लोड करते हैं जी। अभी मोस्ट ऑफ दीज ईआरपीज, मोस्ट ऑफ दीज थ्रेट्स टू द टैंक, दे कम अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेट। ओके, सामने से आते हैं कि बेसिकली टू डिफीट द थ्रेट कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। ओके, एंड टू द लिमिटेड अमाउंट फ्रॉम द साइड, बट हार्डली एनी फ्रॉम द टॉप। ओके, अभी जो सुसाइडल ड्रोन हैं ये तो ऊपर से। हाँ, ओके, तो कुछ ना कुछ इसके लिए अच्छा वो काउंटर मेजर्स निकाले जाएंगे कुछ, और इसकी टैक्टिक्स भी इवॉल्व होगी, काफी लोग कोशिश करेंगे और चेंज करेंगे कि इस ड्रोन्स को अब अपनी
अपने ही यूनिट, सब यूनिट, टैंक यूनिट, सब यूनिट का हिस्सा कैसे बनाया जाए, कैसे इनको भी इस्तेमाल किया जाए। ओके ओके, तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब इससे तो फिर इनको मैक्सिमम चेंज लाना पड़ेगा अपनी टैक्टिक्स में, आर्मर्ड वालों को स्पेशली अगर ड्रोन्स के अगेंस्ट में, तो ये तो बहुत बड़ा लेसन है इंडिया के लिए। और सबके लिए, सबके लिए, केवल हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, कि इनकी तरफ से जो थ्रेट, ये एक नए प्रकार की थ्रेट डेवलप हुई है जी, और पहली बार एक्शन में आई है और इनकी वजह से ऐसी कैजुअल्टीज हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ काउंटर मेजर्स डेवलप किए जाएंगे और इसको फिर एक फॉर्मलाइज करके जो आमा यूनिट्स फॉर्मेशंस उनका हिस्सा मेरे हिसाब से बनाया जाएगा आने वाले बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जो मैं इकोनॉमीज देख रहा था, जो सुसाइड ड्रोन्स है ना, जो ईरान वाले हैं, देखो ऑल सेट एंड डन ईरान वालों का ही वो ही यूज कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी, अपना नाम जरूर उन्होंने उनके ऊपर लिख दिया कुछ रशियन में, और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $20,000 है। और इवन जो आप उसकी बात करें, जो टर्की वाला जो ड्रोन है उसकी $5 मिलियन का है, मतलब वो कहते हैं कि सुसाइड ड्रोन कम से कम 250-300 हम लेके आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से रशिया इतना तो समझदार होगा ही, वो हो सकता है उन्होंने अपने यहाँ बनवाने शुरू कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो ईरान को कि ठीक है तुम यहाँ के बनाओ भैया, तुम्हें वी विल पे यू। और ऑफकोर्स ईरान को पैसे की जरूरत तो है ही, क्योंकि वो तो खुद ही अंडर सेंक्शन है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आर्मर्ड वॉरफेयर में, बट एक हालांकि ये बड़ा टैक्टिकल सा सवाल है, कई लोग ये बात करते हैं कि टैक्टिक्स वाइज टैंक लेवल पे, यू नो बेसिक सब यूनिट लेवल पे भी रशियंस के जो ट्रुप्स थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे, नहीं तो इतने सारे टैंक्स उनके, मतलब दे वुड हैव नॉट लॉस्ट, ऐसा भी लोग बात करते हैं। एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? अब देखिए, ये ट्रेनिंग की बात है, हम इसके ऊपर कुछ भी बोलने के लिए, कि ये यूक्रेनियंस की कॉम्पिटेंस थी या अमेरिकन सर्वेलेंस थी या अमेरिकन वेपन सिस्टम्स थे या जेवलिंस जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, सिटिंग हियर वी कांट से दैट। ओके ओके, वी कैन ओनली एक्सेप्ट दैट इट हैज हैपेंड, कि कैजुअल्टीज हुई हैं तो कुछ एक इफेक्ट आया है जो कि रशियंस काउंटर नहीं कर पाए, या प्रेजेंट डे टैक्टिक्स या इक्विपमेंट इज नॉट गियर्ड अप टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अटैक, दैट काइंड ऑफ थ्रेट। ये तो लेसन्स जब ये लोग खुद ही एनालाइज करके पब्लिश करेंगे और ये पूरे सबको जाहिर होगा, तभी हम इसके पास डेफिनेटिव कुछ बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज किसी भी लड़ाई में नए वेपन्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टैक्टिक्स आएंगे, ट्रायल एंड एरर चलते रहेंगे, ये तो फैक्चुअल बात है, ये हर एक लड़ाई में हुआ है, मतलब ये कोई पहली बार नहीं कि यहीं पे हो। कारगिल में भी हमने दुनिया भर के नए नए तरीके अपनाए, टारगेट एक्विजिशन के लिए, प्रिसीजन एम्यूनिशन के लिए, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई थिंक आपका पॉइंट ये काफ़ी हद तक सही है। और ऑफकोर्स आप, मतलब जो मैं देखता हूँ कि जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है और जो आप असेसमेंट कर रहे हो, काफ़ी हद तक उसमें, मतलब दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट लेट्स एज्यूम दैट you have got a ground knowledge and I accept that part. So thank you Colonel Pandey for this update and this enlightenment. ये बिल्कुल ही ground level पे किसी से पता चला. Thank you so much. Thank you very much. आपने मुझे ये opportunity दी बात करने की. Thank you. Thank you sir.